अजय जलवान सर लाइन पर नहीं है। हमारी जो संगतियां हैं वो संगतियां की डेट फिक्स है, 31 तारीख की गड़की है और 24 तारीख की जो बहुत इंपॉर्टेंट संगति है वो यमुनानगर हरियाणा की है। हरियाणा में दो संगति हैं, एक बहादुरगढ़ की है जिसकी देखभाल वहां के जो स्पोक हैं सुधीर कुमार उनकी टीम कर रही हैं और जगतमाल जी जो है वहां की कर रहे हैं जो यमुनानगर की है। पर चूंकि संगति संघ की होती है और किसी व्यक्ति की नहीं होती, करता तो व्यक्ति ही है, काम तो सारे व्यक्ति ही करेंगे पर संघ के नियम के अनुसार करते हैं। और अब एक हमारा जो काम करने का तरीका है, एक उपठाग एक समिति भी बन रही है और धीरे धीरे उसके मेंबर भी आ रहे हैं जो इसको मैनेजमेंट को संभालेंगे पूरे को, जो पूरे काम को देखेंगे कि नियम के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि संगतियां जो होती हैं वो संगत की होती हैं, संघ की होती हैं, व्यक्ति की तो व्यक्तिगत पार्टियां होती हैं। इसलिए यहां व्यक्तिगत पार्टी तो है नहीं, ये संगतियां सारी की सारी संघ की हैं और ये संघ की ही प्रॉपर्टी हैं। बाद में भी कोई 100 साल बाद भी ये नहीं कह सकता ये संगति मैंने कराई या ये संगति मेरे पिताजी ने कराई या ये संगति कराएंगे तो लोग ही, पर वो संघ के लोग होते हैं, वो संघ को दान हो जाती है मेहनत, यानी संघ दान हो जाती है सारी सारी। तो सबका फर्ज होता है, पूरे संघ का फर्ज होता है कि अगर संघ ने कोई मीटिंग या संघ ने कोई संगति या संघ ने कहीं जाने के लिए कहा है तो हर संभव कोशिश करनी है कि वहां पहुंचना है। ये ठीक ऐसे है जैसे अपने लूले लंगड़े भाई को खड़ा करना है। और लूले लंगड़े भाई को खड़ा करना कैसा होता है? एक भाई है जिसकी एक टांग नहीं है और एक हाथ नहीं है, दूसरा भाई है जिसका एक पैर नहीं है एक हाथ नहीं है, एक अकेला भाई एक पैर से चल नहीं सकता, जब तक खड़ा नहीं होगा काम नहीं कर सकता, दूसरा भाई दूसरे अकेले पैर से चल नहीं सकता एक हाथ से काम नहीं कर सकता। पर दोनों भाई अगर मिल जाएं तो उनकी दो टांग हो जाएंगी और जब वो दो टांग हो जाएंगी और उनमें सामंजस्य और बैलेंस होगा, समझदारी होगी तो वो दौड़ जाएंगे। ठीक वैसे ही हमको अपनी जो लोग हैं उनको खड़ा करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको दौड़ाने के लिए हमें वहां जाना चाहिए जहां हमारी संगतियां होती हैं। इसमें कुछ पैसा खर्च होगा पर वो पैसा इतना नहीं है जितना कि हमें खर्च करना चाहिए। 5% का तो बाबा साहब का आदेश है, इसलिए जो कमाते हो उसमें से 5% रिसोर्सेस टाइम मनी जो भी कुछ है उसको निकाल दोगे तो वो अपने ऊपर खर्च करना है जाने में, वो संघ का खर्चा अपने हिसाब से आपको करना है। तो पैसे की कमी नहीं है क्योंकि 5% का हिस्सेदारी बाबा साहब की कही हुई है तो आप नकार नहीं सकते और 5% का टाइम भी बाबा साहब ने कहा है। इसका मतलब यह है कि आपको 20 दिन में से एक दिन देना है कम से कम, तो पूरा एक महीने के अंदर 1.5 दिन आपको देना है, तो समय भी आपको देना पड़ेगा और रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे, खाना भी लेके जाना पड़ेगा अपने लिए, औरों के लिए नहीं, 2 पराठे औरों के भी हैं पर इतना तो कर लेते हैं। तो ये सारे की सारा जो प्रोसेस है ये पुराना प्रोसेस है जब हम अपने भाइयों को खड़ा करते थे, पर ये प्रोसेस हमारे हाथ से निकल गया। पर जैनियों ने नहीं छोड़ा क्योंकि जैनी भी समण होते हैं, जैनी कोई वमण नहीं होते, भारत के ही हैं। तो जैनियों ने नहीं छोड़ा तो जैनी क्या करते हैं? जैनी अधिकतर व्यापार करते हैं, पर हम लोग व्यापार भूल गए, जैनियों ने याद रखा और उन्होंने बढ़ाया भी। तो जैनियों में जब कोई दुकान खुलनी होती है, और ये सिंधियों का भी है जो सिंध प्रांत के लोग हैं उनका भी है, तो वो दुकान का उद्घाटन करने का कार्ड सबको भेजते हैं, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी जानकार होते हैं उनको कहते हैं जी कि हमारी कपड़े की दुकान खुलने वाली है, ये फलानी तारीख को इसका उद्घाटन है और आप इसके उद्घाटन में आइए। और आपको ताज्जुब होगा कि उस कपड़े की दुकान में कुछ नहीं है, खाली उसके पास दुकान है, वो भी हो सकता है किराए की हो, और वहां पर सिर्फ खाने बने हुए हैं और वहां एक कपड़े का कतरा नहीं और कपड़े की दुकान है। वो सारे लोग जितने भी उसके रिश्तेदार जानकार दोस्त होते हैं जिनको वो बुलाता है, जो उसके समुदाय के होते हैं, वो सारे आते हैं और वो सारे के सारे आते हैं और दुकान का उद्घाटन होता है और उस व्यक्ति को जो दुकान का उद्घाटन करा रहा है, जो उसका मालिक है जो दुकान चलाएगा, उसको वो पैसा देते हैं, कहते हैं 10,000 हमारी तरफ से, 20,000 हमारी तरफ से, 25,000 हमारी तरफ से, 50,000 हमारी तरफ से,
ऐसा कर करके सारे जितने रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं उसको 10-20-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया दे देते हैं। वो पैसा बाकायदा लिखा जाता है, फिर वो उस पैसे से कपड़ा खरीदता है और फिर वो कपड़े की दुकान चलाता है, पर वो पैसा वापस नहीं करता उनको। जब कभी किसी और की दुकान खुलती है तो वहां वो पहुंचता है, उसको इन्विटेशन आता है, तो जिसने वो पैसा दिया है, जितना दिया है उससे ज्यादा रिटर्न करेगा या वो पैसा देगा, हिसाब बराबर रहता है। यानी किसी ने अगर 50,000 दिया है तो 50,000 रिटर्न करेगा और 50,000 चढ़ा देगा। पर ये परंपरा हमारे पास अभी भी है, पर फालतू के काम में लग रही है। कौन सा फालतू का काम है? हमारे यहाँ लड़की की शादी कराने का कोई दहेज के पट्टा था ही नहीं, पर ये बेकार की प्रथा, ये बेकार की परंपरा हमारे दिमाग में डाल दी, हमारे शरीर पर डाल दी और बोझ बढ़ा दिया समाज पे। उसमें हमारे लोग कन्यादान करके लिखवाते हैं 2 रुपये 5 रुपये पुराने जमाने में, आजकल तो 1100 रुपये 2100 रुपये 5000 रुपये लिखवाते हैं और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं किसने कन्यादान में कितना किया। कन्यादान में दिया हुआ पैसा फर्टाइल नहीं है, यानी बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो व्यापार में नहीं है, पर व्यापार में दिया हुआ पैसा बढ़ता है, इसलिए वो बढ़ गए, हम घट गए। यानी जो सिंधी हैं, जो जैनी हैं, उन्होंने व्यापार में पैसा लगाया तो पैसे से पैसा कमाया, और हमारे हमें कहाँ डाल दिया, हमारे दिमाग में डाल दिया दहेज देना है, और दहेज है नहीं तो लड़की को पैसा दे दो और फिर जब तुम्हारी लड़की की शादी होगी तो ये दे देगा, और वो पैसा बेकार जाता है, वो फटाइल नहीं, वो तो खर्च हो जाता दावत में और इसमें उसमें। इसलिए हम डाउन होते चले गए और जैनी सारे व्यापारी बड़े होते चले गए। ये जो टांग से टांग बांध के दौड़ने वाली बात है, इसके लिए हमें 24 तारीख को यमुना नगर में सभी को पहुंचना है। और ये जो समर संघ के नियम है जिसमें साफ कहा गया है कि एक कार में 4 कम से कम बैठो, वरना तो 5 बैठो, और मैं तो कहता हूं कि अगर 6 हो जाए तो 6 बैठो, खर्चा कम पड़ेगा, तो 5 बैठो 6 बैठो और वहां जाने की तैयारी करो, अपना खाना लो, अपने खाने के साथ जाओ। और 31 तारीख को खुशी मनाने का दिन है क्योंकि उस दिन तीज भी है और महिलाओं की संगति होगी, तो महिलाओं को साथ लेके जरूर आना, क्योंकि महिलाओं को साथ लेके नहीं आओगे तो संगति किसकी करोगे? कम से कम जितने नर आते हैं अगर उतनी नारी नहीं आई तो संगति में क्या होगा? पहली महिलाओं की संगति होगी तो कम से कम 500 तो वहां पे महिलाएं हो, 1000 का इंतजाम है रिजोर्ट्स में। योगेंद्र सर इंतजाम हुआ नहीं हुआ? योगेंद्र सर कहां गए, सो गए? तो वहां जी सर, हाँ सर इंतजाम है, पूरा इंतजाम है। अच्छा फिर ठीक है, ली ग्रांड होटल, हाँ तो ली ग्रांड होटल में आपने पहुंचना है और वहां झूले भी पड़ेंगे, हो सकता है मेहंदी वाला भी आए, खुशियों का वहां पूरा माहौल रहेगा। और हर एक व्यक्ति को आधा, हर परिवार को, व्यक्ति को नहीं हर परिवार को, आधा किलो घेवर, क्योंकि अगर परिवार में 2-3 लोग हैं तो आधा किलो तो वो अपने आप खाई जाएगी, कुछ बचेगा तो बढ़ जाएगा। आधा किलो घेवर सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे बढ़िया डब्बे में लेके वहां पहुंचना है। उस दिन हम मिठाई भी खाएंगे, सब लेके आएंगे, मिठाई इकट्ठी करेंगे, खाएंगे, एक नई बात होगी, एक नई चीज होगी। तो ये जो जुलाई के अंदर जो संगति आ रही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी दोनों की तैयारी करनी है। इनके दोनों के ग्रुप लगभग बन गए हैं, उस ग्रुप में आपने एंट्री लगानी है, कौन को आना है, कौन को जाना है, कौन को आना है, कौन को जाना है। हमें अपने भाषणों का जो रेशो है वो कम करना है और अपने एग्जीक्यूशन पार्ट का, यानी काम के पार्ट का बढ़ाना है। इसलिए यहाँ अब काम की बात करने के लिए सबको बताना चाहिए, मेरी इतनी तैयारी है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये अड़चन आ रही है। जैसे 23 सितंबर को हमारा बड़ा दिन होता है क्योंकि बाबा साहब ने जो संकल्प किया था वो संकल्प भूमि में, वहां लोग जाते हैं, वहां सैकड़ों हजारों उस पर तादाद में पहुंचते हैं। इस बार वहां इंतजाम बढ़िया हुआ है, हॉल बुक हो गया है, उस हॉल में 500 से लेकर 1000 लोग आ सकते हैं। 80 की मेरे ख्याल में अभी तक यहां से रिजर्वेशन हो गई है और 200-250 तक की 23 सितंबर तक हो जाएगी, पर देर ना करें, अभी टिकट है। वो जो हमारे तलकराज सर है वो बता रहे थे कल के टिकट अवेलेबल है, और अगर किसी की उम्र 50-55 है तो 60 कर दे, अपनी उम्र बढ़ा दे तो उसको रिजर्वेशन वैसे ही मिल जाएगा, तो जाने का लें। बाकी योगेंद्र सर हैं, बाकी प्रकाश सिंह सर हैं, बाकी ज्योतिलाल देसाई सर हैं, बाकी जो हमारे कटके सर हैं, वो सब डिटेल आपको बता देंगे। पर काम की जो रफ्तार है उसको बढ़ा दें, दाएं बाएं देखने से कोई फायदा नहीं है। ये संघ बार बार नहीं पैदा होते, ये तो हमारा अच्छा समय रहा, ये हमारे महापुरुषों का कोई ऐसा पुण्य रहा, कोई ऐसी बात रही कि हमें ये बात क्लिक कर गई और ये समझ में आ गया संगठन से बेड़ा पार नहीं होने वाला। संगठन से बेड़ा पार होता तो अब तक 1000 बार हो जाता, और संगठन नहीं कर पाएंगे क्योंकि संगठन जो बने हैं वो मनुस्मृति पर आधारित हैं, उनका उनकी नियति, उनका लास्ट रिजल्ट टूटना है। और भारत के अंदर जितने भी संगठन हैं आज तक, जितने भी हैं, वो उन्होंने कोई अपना उद्देश्य पूरा किया ही नहीं और उनका कोई काम पूरा 100% हुआ ही नहीं।
एक संगठन बता दो मुझे किसी भी तरह का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धमका हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे लड़कों का हो, चाहे वो सेना का, समता का और पैंथर पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई संगठन हो जो हमारे लोगों का हो और जिसने उद्देश्य को 100% 100% पूरा किया हो। संगठनों का उद्देश्य पूरा करने से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी को नहीं बताते कि क्या हुआ क्या नहीं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बने हैं, हमारे दबाव में नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हमने नहीं बनाए, वो लोगों ने खुद बनाए हैं। हमने हमारा तो संघ है, तो संघ हमारी बात सुनता है। तो यहाँ कोई बात जब तक लोगों की सहमति नहीं होगी वो होती नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो। इसलिए संघ बार बार नहीं बनते, संघ बार बार नहीं बाहर निकल के आते, संघ बार बार समझ में नहीं आते। संघ वो अनमोल चीज है जिसको समझ में आ गई उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको समझ में नहीं आई उसको कोई वहां से हिला नहीं सकता, वो उल्टा ही काम करेगा। ये पहले भी होता आया है, ये अभी भी होता आया है, पर एक खास बात जो पहले हुई है वो ये है कि संघ हमेशा जीते हैं, और संघ चाहे हमारे हों चाहे विरोधियों के हों, संघ अगर विरोधी भी बनाएगा तो वो भी जीतेगा, और अगर हम बनाएंगे तो बात ही क्या है उसकी। और संघ में चैलेंज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चैलेंज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर चैलेंज संघ के लिए फीड का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं। जितना बड़ा चैलेंज जितनी जल्दी आएगा संघ उसको उतनी जल्दी पूरा कर लेगा। एक चैलेंज आया हमारे पास में कि जूम की मीटिंग से जमीन पर कैसे जाएं, वो पूरा किया, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इतने सारे संगठनों में रहा, इतने सारे जगह मैंने काम किया, इतने सारे लोगों को देखा, बचपन से देखा, अपने फादर के साथ जो संगठन थे जहां वो काम करते थे वो देखा, सब कुछ देखा, पर ऐसा कभी नहीं देखा कि 400 लोगों की संगति लगाओ और 700 आ जाए। ऐसा कभी नहीं देखा कि 1000 लोगों की संगति लगाओ और 1500 आ जाए। ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक साथ टिकट बुक हो जाए, लोग अपने आप टिकट बुक करा लें कि 80 हो गए और 90 हो गए और 100 हो गए 300 हो गए। ऐसा कभी नहीं देखा कि सारी चीजें कम पड़ जाए, व्यवस्था कम पड़ जाए। ये संघ में कमाल हो रहा है, ये संघ में चमत्कार हो रहा है। इसलिए मुझे ये पता चला कि भाई ये जो संघ है इसको कोई नहीं चला रहा और इसको कोई नहीं बढ़ा रहा, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो संघ को चला ले और संघ को बढ़ा ले। ये तो वो महापुरुषों का आशीर्वाद है जो अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, पर इसको रोकने के लिए भी लोग आगे हैं और बाहर के लोग नहीं आए, हमारे खुद के संगठनों के नेता। दरअसल यहां हम जितनी भी बात करते हैं हमारी बात जो रुकती है आके संगठनों के नेताओं पर रुकती है, संगठन के लोगों पर नहीं रुकती है। संगठन के नेताओं को हमने पहले भी अपील की, हम बार बार भी अपील करते हैं, पर उनके कान पर जू नहीं रखती और उनको समझ नहीं आती और उनको कोई चिंता नहीं और उनको कोई फिक्र नहीं। उनको संघ दुश्मन लगता है, और दुश्मन लगने का एक कारण जो सबसे बड़ा है वो है चंदा। क्योंकि हम ये कहते हैं पैसा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब, और इकट्ठे वो होके नहीं आते, इकट्ठे होने की वो बात नहीं करते, इसलिए उनका पैसा चला जाता है, और पैसा चला जाता है तो उनके जो खर्चे हैं जो उन्होंने बढ़ा रखे हैं वो कैसे होगा, संघ का तो कोई है नहीं। एक बहुत बड़ा जो अधिकारी है, क्लास वन अधिकारी है, उससे बड़े बड़े अधिकारी संघ में भी हैं पर वो क्लास वन अधिकारी बड़ा है। 5-6 साल पहले यहाँ मेरे पास आया था घर में, और बाहर से आया था ट्रांसफर होके। उसने कहा कि हम यहाँ एक फूले साहू अम्बेडकर पे एक काम करना चाहते हैं, सामाजिक काम करना चाहते हैं, हमारा गैर राजनीतिक होगा और गैर धार्मिक होगा, और हम तो बाबा साहब का बुद्ध का फोटो भी नहीं लगाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा भाई आपकी जान पहचान पूरे देश में है, आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, सब लोग आपको जानते जानते हैं, अगर नंबर हो तो हमें दे दो, मोटी फाइल मेरे पास जाती है। मैंने कहा जी फोटो कॉपी करा के दे दो। बड़े खुश हुए, तुरंत गए और फोटो कॉपी करा के, वो 300-400 पेज थे, पूरे पूरे करा के लाके दे दिया। तो वो जब इतने खुश हुए, उन्होंने लगा कि भाई ये बंदा हमारी इतनी सहायता कर रहा है तो हमारे साथ काम भी करेगा। उन्होंने कहा जी आप इसमें काम करो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो संगठन बना रहे हो और जो तरीका संगठन का है, ऐसे तो बहुत संगठन है, आपने मांगा मैंने दे दिया, मैंने आपको टोका नहीं, मेरे घर आए हो, चाय पियो, नाश्ता करो, मेरे भाई हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो समझी, पर मैं संगठन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सब जगह देखा है, मैंने सरकारी कर्मचारियों का देखा है, मैंने सामाजिक देखा है, मैंने धर्म का देखा है, सब देखा है, मेरी समझ में आ गया इनसे बात नहीं बनने वाली, मैंने अंदर तक घुस के देखा है इनमें, ये तो भैया ईगो और अहम के बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी है, ये बूढ़े हो जाते हैं, छोड़ते नहीं है, इनके पास कोई नया आइडिया नहीं है, और संघ की सोच तो कहीं दूर दूर तक है नहीं,
बस पद पदाधिकारी चंदा पैसा और चार पांच इनके काम साल में रटाए हैं। अगर बुद्धिस्ट लोग हैं तो वो क्या करेंगे, धमचक पवंतर आ रहा है अभी 14 तारीख को, उस पर जाएंगे या 1-14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा कराएंगे या बुद्ध जयंती पे एक छोटा सा कार्यक्रम लगाएंगे, ये उनके कार्यक्रम है फिक्स है भैया, और उनसे इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो अम्बेडकराइट लोग हैं उनके 2 कार्यक्रम फिक्स हैं, 6 दिसंबर का 1-14 अप्रैल का, इसके अलावा वो टस से मस नहीं होते। और जो लड़के दद्दल बल के हैं वो थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम टाइम फिस करते रहते हैं, और इलेक्शन वाले जब भी बाहर निकलते हैं जब इलेक्शन हो, यहाँ भैया सबका फिक्स है। और तो और जो जो सामाजिक संगठन है उनका भी फिक्स है, उनके दिसंबर में बड़े अधिवेशन लगते हैं और उसकी वो 6 महीने पहले तैयारी करते हैं, जमीन बुक कराते हैं, प्लॉट बुक कराते हैं, टेंट बुक कराते हैं, फिर वो पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद वो आराम से छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं इकट्ठा करने के लिए, और उनमें कोई चेंज नहीं आता और उनके टुकड़े हो जाते हैं, उनके टुकड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें मतलब जो थोड़ा भी अगर समाज में रहेगा तो उसको ये बात दिखाई दे जाती है, ये बात समझ में आ जाती है, और इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए विरोध में आए तो वो आए जो नेता थे, पर एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपशब्द बोलते हो, आप गाली देते हो, आप ऐसा करते हो, सारी वीडियो उठा के चेक कर लो जितनी भी है पोर्टल पर, एक गाली नहीं बकी हमने किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को एक गाली नहीं बकी, किसी महिला को एक नहीं बकी, किसी का अपमान नहीं किया। और यहाँ कोई मान सम्मान भी लेने आता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, अरे भाई मान सम्मान तो इतना खूब मिल रहा है दबा के, और कितना मान सम्मान लोगे, अब संघ को अगर मान सम्मान मिल जाए तो सबको मान सम्मान मिल जाएगा। पर एक शब्द नहीं कहा, एक अपशब्द नहीं कहा, हाँ निकम्मा जरूर कहा, निकम्मा कहा जो काम नहीं करता, नालायक कहा जो लायक नहीं है, हरामखोर कहा जो बिना मेहनत की खाता है, चंदेबाज कहा जो चंदे को खाता है, संगठन धोखेबाज कहा जो धोखा दे रहा है समाज को। ये सारे शब्द अपने अर्थ रखते हैं, अर्थों को हमने बताया है। हम यहाँ किसी भी आदमी से बहस करने को तैयार हैं, सारी वीडियो हमारे पास है पूरे साल की, पूरे 14-15 महीने की। हमने अगर किसी को कोई गाली दी हो, गाली जब होती है जब मदर की सिस्टर की कुछ इधर उधर की गाली दिया उसको गाली बोलते हैं। अगर काम ना करने वाले को आप ये कहोगे कि ये कम्मा है, ये कम्मा है, ये कम्मा है, तो वो तो काम करेगा नहीं, वो तो पहले ही काम नहीं करता, ऊपर से आपने सर्टिफिकेट दे दिया। और अगर ये कहता है कोई आदमी के संगठनों को नहीं कुछ कहना है, संगठनों को कुछ नहीं कहना है, तो फिर भाई तुम करोगे क्या? कोई आदमी ये कहता है जी संगठनों को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो भाई करोगे क्या, कहोगे किसको? संगठनों को कुछ कहना नहीं है तो संगठन ठीक हो गए, तो काम बढ़िया चल रहा है, फिर तो अपने घर जाके बैठो, क्या जरूरत है फिर कहने की? तो भाई कहोगे तो उसी को, जहां से हमारी आफत आ रही है, जहां से आ रही है, कहना तो पड़ेगा। और कहने में अगर किसी को दर्द होता है तो रास्ता बता दे, भाई रास्ता क्या है, बिना कहे मानते नहीं। लोग तो पूरी दुनिया में डंडे लेके रिवोल्यूशन करते हैं, डंडे लेके, जो पूरी दुनिया के अंदर जो क्रांतियां हुई हैं लोगों ने डंडों के साथ की हैं, हम तो खाली कहते ही हैं, कहने का असर नहीं होता तो क्या करें? पर कहना तो पड़ेगा वरना बच्चे मर जाएंगे। अगर बच्चे मरवाने को तैयार हो तो मत कहो, या कोई रास्ता है तो बता दो। इसलिए एक भी सिंगल आदमी जो संगठन से वाकिफ है या जो संगठन में काम करता है, किसी ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मेरी वीडियोस पर जो कमेंट आते थे जब मैं वीडियो बनाता था 2 साल पहले, डॉक्टर अम्बेडकर के दुश्मन, धम के दुश्मन, फलाने के दुश्मन, इसके दुश्मन, तो लोग कहते जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऐसे बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है, इसको काटने कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं कहने आया। जिनको नेता बनना है, जिनको चंदा लेना है, जिनको पार्टी पॉलिटिक्स करनी है, वो जरूर लोगों को कहते हैं जी वहां अपशब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, एक अपशब्द नहीं बता पाए कोई लोग। हम अपशब्द नहीं कहते, हम तो खाली शब्द कहते हैं। अपशब्द तो अपने आप उनको लग जाता है पर सबको नहीं लगता। जैसे पूरी 200 लोगों के अंदर एक चोर होता है और एक आदमी करे चोर, तो जो चोर होता है वो ही गर्दन घुमा के देखता है, बाकी उसको देखते हैं किसने गर्दन क्यों घुमाई, वो पकड़ा जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इसलिए जिसको अपशब्द लगते हैं वो संगठन वाला आदमी है, वो व्यक्तिगत आदमी है, वो चंदे वाला आदमी है, वरना तो बुरा लगने का मतलब नहीं है। काम जो कहते हैं, जो बात कहते हैं, वो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं और लॉजिकली कहते हैं, और तर्क करने को सब लोग तैयार हैं। इसलिए काम बढ़ रहा है, इसलिए लोग समझ में आ रहे हैं कि भाई जान बचानी है तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, जान बचानी है बच्चों की तो और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए संघ बढ़ता है। पर जान, जो जान बचानी है उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम की स्पीड जब तक बढ़ाओगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। संगतियां कम लग रही हैं, यहाँ जितने लोग हैं वो अपनी अपनी संगति बताएं कि कहाँ कहाँ लगनी है। हर संडे में तो लगानी चाहिए, पिछले संडे को 10 संगति लगी, इस बार जो संगति लगी है वो 8 लगी हैं, एक बाद में लगी है जो बहादुर में लगी है, तो 2 घट गई, जबकि 2 बढ़नी चाहिए थी। हर संडे में 4-5-6 बढ़नी चाहिए। भाई संडे को आप करते क्या हो, क्या काम है संडे को? संडे को क्या आपने कहीं दफ्तर में बैठना है? अगर आपकी छुट्टी संडे को तो संडे को लगाओ, अगर आपकी मंडे को तो मंडे को लगाओ,
आप क्या सोच रहे हो कि आपको कोई यहाँ आदेश करेगा? यहाँ संघ में कोई आदेश नहीं करता। अपनी मीटिंग लगाओ और फोटो भेज दो, अपनी मीटिंग लगाओ और फोटो भेज दो। 10 गोल्डन रूल आपके पास हैं, संघ सेवा के नियम आपके पास हैं, पूरी आइडियोलॉजी आप समझ चुके हो, इससे फालतू कोई आइडियोलॉजी है नहीं। जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जोड़ना है। कोई शातिर आदमी आएगा, कोई कोई संगठन का आदमी आएगा, कोई आपको चढ़ाने आएगा, कोई आपको घुमाने आएगा, कोई आपका दिमाग खराब करने आएगा, तो एक प्रश्न पूछेगा, भाई जुड़ने जुड़ने के बाद क्या करेंगे, जुड़ने जुड़ने के बाद क्या करेंगे। तो उसी से पूछ लो कि भाई तू क्या करना चाहता है, तो वो कुछ ना कुछ बताएगा। क्या बताएगा? या तो राजनीति बताएगा, या कहेगा सबको पढ़ाओ कहेगा, या कहेगा बुद्धिस्ट भात बनाओ, या कहेगा कि यहाँ पे सबका सबका जो लोग हैं उन सबको समझ संगठन लाओ। पर कुछ भी कहेगा उसके लिए ये कहेगा कि लोग तो चाहिए इकट्ठे होने के लिए, तो उससे कहना भाई जो तेरा काम है वही कर लेंगे, पर लोग तो इकट्ठे कर लें, इसको मना नहीं कर सकता। तो इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिला देना कि भाई जो तू कह रहा है वही कर लेंगे, पर इकट्ठे होकर जो लोग चाहेंगे वो कर लेंगे, अभी इकट्ठे हो जाए। ये क्वेश्चन करेगा, इसका हमारे पास जवाब है। बाकी प्लान हमारे पास है। कोई पूछे आपका प्लान क्या है, हमारा प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। पहला काम हमारा इकट्ठा होना, और दूसरा काम है कि इकट्ठे हुए लोग उस समय जो परेशानी होगी और जो जजमेंट करेंगे, जो निर्णय करेंगे, जो बैठ के फैसला करेंगे, उस पर हम सब चलेंगे। पर चलेंगे उसी पे जस जो सारा का सारा संघ जिस पर चलेगा, चलेंगे उसी पे, व्यक्ति के कहने पर नहीं चलेंगे किसी हालत में। कितना बढ़िया प्लान है, 2 लाइन का प्लान है, कितना सरल प्लान है। और जो बाकी लोग ये पोथी पत्रा लेके लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, 29 लाख प्लान है हमारे पास। हर संगठन अपना प्लान बना के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करता है और वहां से एक नंबर लेता है, उसको संविधान बोलते हैं। उसमें वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसमें उसको लिखना पड़ता है कि उसके उद्देश्य क्या है और वो क्या करेगा। ये सब प्लान है, और वो प्लान एक पूरा नहीं हुआ आज तक जिन्होंने प्लान। और बुद्ध ने कोई प्लान नहीं बनाया। बुद्ध तो ऐसे ही थे फापानंद बिल्कुल। जब वो पेड़ के नीचे बैठे ज्ञान लेने के लिए, तो चीवर भी नहीं थे, वो फटे टूटे से कोई कपड़े होंगे, खाना भी नहीं था, नंगे पैर कभी जिंदगी में चप्पल नहीं, ऐसे पेड़ के नीचे बैठे थे। और पेड़ के नीचे बैठ के आराम से ज्ञान प्राप्त किया और 7 हफ्ते तक प्रैक्टिस की और सोचा कैसे करेंगे, और धीरे धीरे जो जो आवश्यकता पड़ी बनता चला गया। 5 बंदे मिले तो संघ बन गया, 60 मिले तो 60 बन गया, और 50,000 मिले तो 50,000 हो गया। बस ऐसे ही बनता चला गया, ऐसे ही काम होता चला गया। जब जो समस्या आई वो नियम बनते गए, और जो नियम बनते गए वो विनय पिटक में। उनमें से कुछ नियम समर्थ संघ ने हमने उठा लिए हैं, कुछ नियम जो भिक्खु हैं उनके हैं, उनको छोड़ दिए हैं। काम बढ़िया चल रहा है, लोग धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं। जितनी तेजी से जुड़ेंगे उतनी तेजी से जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं, और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। पर जुड़ेंगे तब जीतेंगे, तो जुड़ने का काम करना पड़ेगा, इसी काम की स्पीड बढ़ानी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब कल तक अपनी मीटिंग बता देंगे, जो देश में बैठे वो भी और जो विदेश में बैठे वो भी। चाहे भले ही 5 आदमी की मीटिंग बताओ, पर भाई यहां लिखवा दिया करो पोर्टल पे कि ये हमारी 5 आदमी की मीटिंग संडे को लगेगी, या 10 आदमी की मीटिंग हमारी यहां लगेगी। 5-5 करके ही हम 5 लाख हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहना। एक एक करके 1 करोड़ हो जाएंगे, होंगे तभी जब हमारा मन हो जाएगा। कोई आदमी ये कहे कि 10,000 आदमी मेरे पास है, उसके नाते 10,000 आदमी, पर जिसके पास 10 होते हैं उसके आ जाते हैं। हमारे तो वही काम चलाएंगे जो सीधे साधे लोग हैं। भैया नेताओं से हमारा काम ही चलेगा, नेता और बुद्धिजीवी और फलाने फलाने जितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये सब आएंगे और ये इस चक्कर में रहेंगे कि कैसे ये लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इनको भाषण फेल जाऊं। और भाषण 1 तारीख से बंद कर दिए हैं, इसलिए वो कॉलम भी खत्म है, वो मामला भी खत्म है। संघ में सारी बुराइयां खत्म होती जा रही हैं। जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जीतो, जुड़ो और जीतो। जिद जुड़ने की और जिद जीतने की है। संघ को नमामि, संघ को नमस्कार, संघ को सलाम, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
साधु साधु।